तैयारी करने के लिए भिड़ गए हैं, प्रारंभ कर लिए हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस पता कर लें। टाइम टेबल में, टाइम टेबल का ये होता है जब मन करे पढ़ें, उठ के जग के पढ़ें, लिख पाएं। दूसरा क्या है, रोजाना अभ्यास करें डेली। जैसे कि अब रोजाना अभ्यास का मतलब ये होता, मॉक टेस्ट नहीं अभी दे रहे हैं, क्या आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं? जब टेस्ट नहीं दे रहे हैं ना, तो आप चीज को हमेशा चूज करें, ठीक है? अकेले में पढ़िए, रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए, लेकिन अकेले पढ़िए। बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो इस चीज से दूर रहिए, फोन से। अब कहेंगे सर फोन से दूर रहेंगे तो हम कैसे क्लास करेंगे, करते रहे एक बगल से साइड बाय साइड चैप्टर वाइज देखते रहे, क्योंकि रिविजन आपके लिए एग्जाम में बहुत बेहतरीन साबित करने वाला है, ठीक है? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सरप्राइज, सबसे बड़ा सरप्राइज। क्या आप एग्जाम हॉल तक, क्या अभी आप यूज कर रहे हैं? अभी यूज नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिए, आपके लिए ये जादू साबित होगा, ये वरदान साबित होने वाले हैं एग्जाम में। इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, जब इस वीडियो के स्किप करेंगे तो सबसे बड़ा वीडियो स्किप करने जा रहे हैं, ठीक है? तो यहां पर आपको सरप्राइज देने वाले हैं। क्या सरप्राइज है यहां पर देखिए, तो सरप्राइज आपके एग्जाम में क्या करना है, कैसे करना है एग्जाम से पहले, तो ये आपके लिए सरप्राइज है। तो देर किस बात की, चलते हैं। ये आपका रहा बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्या बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो आपका ये लोगो रहा। तो सरप्राइज क्या है सर, बताइए जल्दी, देखेंगे फिर एग्जाम का तैयारी करेंगे। हां, देर किस बात की, तो यहां पर देखिए, ये फर्स्ट आपका सरप्राइज है, वो फर्स्ट नंबर सिलेबस पता कर लें। तो सबसे पहले आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिलेबस का पता करें, से पहला आपका एग्जाम का मंत्र है। एग्जाम देने से पहले आप जाइए, या आप तैयारी करने के लिए भिड़ गए हैं, प्रारंभ कर लिए हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस पता कर लें, ठीक है? राइट। उसके बाद दूसरा आपके लिए सरप्राइज है, ये आपका टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करें। टाइम टेबल क्या हो सकता है, टाइम टेबल आप लोग कहेंगे क्या टाइम टेबल, तो हम 2 से 3 मैथ पढ़ते हैं, 3 से 4 मैथ करते, नहीं, ये उसी दिन फेल होगा, उसी दिन असफल होंगे। ये टाइम टेबल पे चलेंगे, 2 से 3 मैथ पढ़ेंगे, 3 से 4 पढ़ेंगे फिजिक्स, 4 से 5 पढ़ेंगे हिंदी इंग्लिश, इस प्रकार आप बनाएंगे, उसी दिन आप जो है ना असफल रहेंगे इस टाइम टेबल में। टाइम टेबल का ये होता है जब मन करे पढ़ें, उठ के जग के पढ़ें, लेकिन पढ़ें कंटिन्यू, एकदम फोकस के साथ पढ़ें, एकदम अट्रैक्ट होकर पढ़ें, और एनर्जी को उपयुक्त होकर के एकदम एनालिसिस करें, फोकस करें। एग्जाम में जो किताब में है उस किताब को इतनी अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करें जो माइंड में रह जाए, ठीक है? तो बात रहा अब तीसरा आपका पॉइंट, तीसरा क्या है, रोजाना अभ्यास करें डेली। जैसे कि अब रोजाना अभ्यास का मतलब यह होता है, अब अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आज हम फिजिक्स पढ़ लिए, आज हम मैथ्स पढ़ लिए, आज हम इंग्लिश पढ़ लिए, आज हम केमिस्ट्री पढ़ लिए, आज हम बायोलॉजी पढ़ लिए, आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट हैं तो पढ़ लिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे? नो, कल भी पढ़ना है, परसों भी पढ़ना है, डेली बाय डेली पढ़ना है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, रोजाना अभ्यास करें, रोजाना अध्ययन करें, डेली बाय डेली आप सिलेबस को पढ़ते रहिए, बराबर पढ़ना है। मैथ्स जितना पढ़ रहे हैं उतना फिजिक्स पढ़ेंगे, जितना हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं उतना हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे, ठीक है? इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? अब देखिए चौथा आपका सरप्राइज क्या है, जानते हैं? ये आपका मॉक टेस्ट देते रहे, क्या मॉक टेस्ट नहीं अभी दे रहे, क्या आप टेस्ट नहीं दे रहे? जब टेस्ट नहीं दे रहे हैं ना, तो आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। जब आप मॉक टेस्ट देते रहेंगे तो आपको आइडिया, आपको बहुत सारी चीजें, आपको एनालिसिस करते हुए आपको एग्जाम में दिखेगा ऑब्जेक्टिव, ओमआर शीट में देखने के लिए मिलेगा। भैया यहां पर जैसे 4 ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन में क्या लगाना है, 2 ही चीज होता है सही या गलत, 4 ऑप्शन आपको चूज करना होता है, 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन आपको टिक एटम करना होता है, ठीक है? तो अब देखिए मॉक टेस्ट देते रहेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हार्ड होते चला जाएगा, ठीक है? मॉक टेस्ट एकदम डेली बाय डेली, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है, सभी एकदम एक एक क्वेश्चन को एकदम धीरे धीरे करते हुए चले जाना है, ठीक है? ये होता है मॉक टेस्ट, ऑब्जेक्टिव का एकदम हमेशा टेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है? आपके लिए ये सरप्राइज, ठीक है? अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर
क्वेश्चन पेपर्स, मतलब पुराने प्रश्न पत्र को हल करना होगा। क्या पुराने प्रश्न पत्र को हल करना होगा तो आप क्या करते हैं, अभी नहीं करते हैं ना तो एकदम लग जाइए, क्योंकि बहुत कम नजदीक एग्जाम बचा है, तो बहुत कुछ करना है, बेस्ट करना है, तो अभी से शुरुआत कीजिए, आगाज कीजिए, रणनीति एकदम पूरा, नीति और राजनीतिक जो होता है ठीक उसी प्रकार तैयारी करते हुए चले जाइए, तो आप बेस्ट करके आएंगे एग्जाम में। पुराने प्रश्न पत्र को आप हल कीजिए, किसी भी हर हालत में हल करना होगा। तो आपके लिए नेक्स्ट सरप्राइज जो है ये रहा, आपका शांत माहौल में पढ़े, तो जब आप शांत माहौल में पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए जो है ना एग्जाम में हलवा लगेगा क्वेश्चन, आपके मन में अगर वो तो पढ़े हैं। एकदम शांत माहौल में पढ़ना, जब शांत माहौल में नहीं पढ़ेंगे तो आपके माइंड में तो जाएगा, फिर कौन सा बातें जाएगा, अरगनल बातें, जो अगल बगल में बोलता, अरे वो बोलता था इस टॉपिक को पढ़ते हुए, ठीक है, तो याद नहीं होगा, ठीक है। इसलिए शांत माहौल में रह करके पढ़ें और इस चीज को हमेशा चूज करें, ठीक है। अकेले में पढ़िए, रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए, लेकिन अकेले पढ़िए, एकदम दहाड़ के पढ़िए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बातें आपका यहां पर है, सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है कि नोट्स पढ़ें। क्या आपको नोट्स मिल रहा है योद्धा एकेडमी से? जब आपको मिल रहा है तो नोट्स क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? नोट्स आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आएगा, आपको एकदम प्रश्न हल करने से जो है ना आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इसलिए नोट्स पढ़ें और कंटिन्यू नोट्स पढ़ें। और नोट्स में क्या क्या पढ़े पता है? अब देखिए मास्टर साहब सब जो है ना बहुत ज्यादा नोट्स दे देता है, लेकिन नहीं, एकदम नहीं, ज्यादा नोट्स मैं नहीं दूंगा, योद्धा एकेडमी से भी ज्यादा नोट्स नहीं देने वाले हैं, ठीक है। जो एग्जाम में आएगा वही आपको नोट्स दिया जाएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है हुबहू प्रश्न, जैसे मान लीजिए 10 प्रश्न है, ठीक है, 10 प्रश्न में से एक प्रश्न दो प्रश्न आने वाला है वही आपको दिया जाएगा। इस प्रकार जब नोट्स पढ़ेंगे आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, एग्जाम में आप बहुत अव्वल नंबर लाने वाले हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपके लिए जो है ना ग्रुप वाली बातें, क्या आठवां सरप्राइज है क्या? ग्रुप में पढ़ाई करें। तो ग्रुप में पढ़ाई करने के बाद क्या होता है? अब बोलेंगे क्या? अब बोलते हैं शांत माहौल में। ये ग्रुप का अलग होता है, ग्रुप का अलग बातें होता है, शांत माहौल अलग होता है। अब बोलेंगे इस चार पांच में मिल करके पढ़ेंगे तो कैसे हल्ला होगा? नो, हल्ला नहीं होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। जब इसमें आप पढ़ेंगे, ग्रुप में पढ़ेंगे, तो किस चीज की बातें होनी चाहिए? एग्जाम से संबंधित बातें होनी चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड बातें होनी चाहिए। ये नहीं कि अब हम घर में क्या करके आए वो बताना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ग्रुप की बातें, बोर्ड एग्जाम की बातें होनी चाहिए, ग्रुप में बोर्ड एग्जाम की बातें होनी चाहिए। और एक बात ख्याल रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूं, मैं ग्रुप में याद कीजिएगा, तो फिर उसके बाद जो है ना बेहतरीन साबित होने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ग्रुप में पढ़ाई करें, प्लीज आप ये मंत्र यूज कीजिए तो आप जादूगर बन जाएंगे, मैजिशियन बन जाएंगे, ठीक है। तो अब आपका यहां पर नवा सरप्राइज आ रहा है, ये सेल्फ स्टडी करते रहे। क्या आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं? क्या आप सेल्फ स्टडी करते हैं? जब करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो वीकनेस स्टूडेंट बन जाएंगे। अभी मान लीजिए हम अभी बता रहे हैं, जब हम बता रहे हैं तो मेरी बात आपके अंदर जाता होगा, अट्रैक्ट होता होगा उस चीज को, उस शब्द को, आप क्या करते होंगे, इसमें अटाते होंगे, सेरी वेलम सेरी ब्रह्म होता है, ठीक है, उसमें एकदम अट्रैक्ट होता होगा। लेकिन अब देखिए सेल्फ स्टडी करते रहे, जैसे हम बता दिए, मेरी बात ई कान से सुने, ई कान से निकाल दिए, ठीक है, ये तो अभी लेक्चर दे रहे हैं, इस लेक्चर को, इस शब्द को, इस वर्ड को आप जाकर के घर में मंथन नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, तो ये जो है ना पढ़ाई बेकार हो जाएगा, ये लेक्चर जो अभी देख रहे हैं ये बेकार हो जाएगा। मेहनत कहते हैं बेकार नहीं होता है, लेकिन मेहनत भी बेकार होता है। जैसे अभी लेक्चर देख रहे हैं, सो कैसे करके कम्बल तर में, नहीं, ऐसे नहीं करना है। जैसे आप देख रहे हैं लेक्चर, जैसे क्लास देख रहे हैं, आगे में कॉपी कलम नोट्स
एकदम बनाने का प्रयास कीजिए। क्या कौन सा शब्द बोले, कौन सा क्वेश्चन बेहतरीन है, उस चीज को लिखिए। जैसे ऑनलाइन में पढ़ते हैं, ऑनलाइन कमेंट बॉक्स में भी लिखिए बहुत हार्ड हार्ड वर्ड को, तो फिर आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। तो सेल्फ स्टडी करते रहें। और एक मैं बात बता देता हूं, सेल्फ स्टडी मेरा तो 10% होगा, मेरा 10% कोई भी टीचर बोलते ना मेरा 100%, वो एकदम गलत नहीं। आपका 90% रहता है जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, तो फिर उसके बाद आपका 90% और मेरा 10% आपका आपको सपोर्ट रहता है, ठीक है। अब देखिए दसवां आपके लिए सरप्राइज। क्या है सरप्राइज? अनावश्यक चीजों से दूर रहें। क्या अनावश्यक चीजों से? हेलो डार्लिंग, ये डार्लिंग, वो डार्लिंग, नो एग्जाम है, एक ही सपना, एक ही टारगेट, बोर्ड एग्जाम, ना लेफ्ट ना राइट ना पीछे, सिर्फ बोर्ड एग्जाम। तो क्या आप इस चीज को माइंड में हटाएंगे क्या, इस चीज को टारगेट लेंगे क्या, बोर्ड एग्जाम में अव्वल नंबर लाना है? तो इस चीज से दूर रहिए, फोन से। अब कहेंगे सर फोन से दूर रहेंगे तो हम कैसे क्लास करेंगे? नो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फोन से, जैसे कोई नोटिफिकेशन, जैसे कि योद्धा एकेडमी से आपको जाएगा कोई भी तरह का नोटिफिकेशन क्लास का, तो क्या उस क्लास पे नोटिफिकेशन पे क्लिक नहीं करके कोई भी लाइकन और लाइकी वाला जब फोन आएगा तो उस पे ग्रीन पर बटन दबाएंगे तो हेलो बबनी कैसे हैं, यहां आ वहां आ, ये वो दिस दैट, तो इसमें नहीं लगना है। इसीलिए अनावश्यक चीजों से दूर रहें, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, आने वाला नहीं है, आ गया है, बहुत कम वक्त है। ये है आपका सबसे बड़ा कीमती समय, इस कीमती समय को आप सही प्रकार से यूज करेंगे तो फिर दुनिया को बदल देंगे, और क्रांति जो होता है ना कलम में, वो इतिहास बदल के रख देंगे जो कभी आपके खानदान में कोई सोचा नहीं होगा। ये पेन में ताकत है, ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। एकदम सोशल मीडिया पे सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, कभी इंटरटेनमेंट मनोरंजन कर लेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट बात है, तो नेक्स्ट बात है आपके लिए सरप्राइज है, लिखने की प्रैक्टिस करें। हाँ भैया, लिखने की प्रैक्टिस करें। जब आप लिखेंगे, जब आप डेली बाय डेली लिखेंगे तो आपका अक्षर भी बैठेगा, आपका लिखने का स्टाइल भी बेहतरीन होगा और स्पीड भी बढ़ेगा। तो क्यों नहीं हम लिखेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करें। जैसे एग्जाम हॉल घुसने से पहले आपको एक पन्ना या दो पन्ना लिख के जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ना, जो प्रश्न पत्र आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, इसलिए प्रश्न पत्र को घर में ही या दो लाइनें, पांच लाइनें लिख के जाइए, वो एक्सपीरियंस जो है ना एकदम सटीक होगा। ये मेरा मंत्र सटीक होने वाला है, ये बेहतरीन साबित करने वाला है। और एग्जाम से पहले एक महीना डेढ़ महीना पहले आप एक्सपीरियंस जितना आप छाप सकते हैं कॉपी में, और नोट्स जितना कर सकते हैं, जितना लिख सकते हैं, लिखने का प्रयास कीजिए। ये मेरा जो है ना, ये सबसे बड़ा जादू है, ठीक है। तो लिखते रहिए और एग्जाम में बेस्ट करते रहिए। तो आपका 12वां सैंपल पेपर का अभ्यास करें। वह क्या बात है, सैंपल पेपर क्या होता है समझे? सैंपल पेपर जो आपका एग्जाम जो होता है ना, आपका एग्जाम जो होता है, जिस प्रकार से प्रश्न पत्र जो आता है एग्जाम में, वो जो है ना, उस टाइप का सैंपल पेपर लेना है। कितने घंटा का होता है? 3 घंटा देता है भैया, ठीक है। इसमें सब एक एक चीजें लिखा होता है, 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। अब 3 घंटे का कितना उसमें क्वेश्चन रहता है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स का 70 नंबर, 30 नंबर प्रैक्टिकल रहता है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव कितना होता है, सब्जेक्टिव कितना होता है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब चीज जब पहले एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करते रहेंगे सैंपल पेपर से, अपने अपने माइंड को एक्टिव करके, अपने आप को एनर्जी बढ़ा के पुश करके, आप इस तरह 3 घंटा करते रहेंगे ना, एक महीने में दो बार या 3 बार करेंगे ना, आप सच में, मैं सच कह रहा हूं आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। क्या? एग्जाम में अच्छा करेंगे, ठीक है। ये सैंपल पेपर का अभ्यास जरूर करें, ठीक है। तो राइट, अब देखिए नेक्स्ट आपका रिवीजन, एकदम रिवीजन, एक महीने में एक या दो बार चैप्टर वाइज को रिवीजन करते रहें, एक बगल से साइड बाय साइड चैप्टर वाइज देखते रहें, क्योंकि रिवीजन आपके लिए एग्जाम में बहुत बेहतरीन साबित करने वाला है, ठीक है। तो रिवीजन करते रहें, एकदम अनिवार्य है। जब रिवीजन नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए आज विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिए, ठीक है, आज पढ़े, परसों तक रहा,
या 15 दिन तक रहा, तो उसके बाद 20 दिन के बाद जो है ना, आपके माइंड से भूलने का, एक इंसान का जो है ना ये दिमाग, ये ब्रेन, ये भूलना अनिवार्य होता है, ठीक है। इसको भुलाने नहीं देना है, भुलाने नहीं देना, कब तक, जब तक एग्जाम फाइनल ना हो जाए, एग्जाम में नंबर अव्वल ना हो जाए, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट आपके लिए सरप्राइज क्या है, यहां पर देखिए 14 नंबर, सभी विषयों पर ध्यान दें। वाह क्या बात है, ये तो सबसे बड़ा मंत्र है, सभी विषय, मतलब सभी विषय, किसी का मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, किसी का फिजिक्स रहता है, किसी का बायोलॉजी मन लगता है पढ़ने में, किसी को लगता है हिंदी पढ़ने में, नो, आपका मेन विषय मैथ है तो मैथ भी होना चाहिए स्ट्रांग, फिजिक्स भी होना चाहिए। जब आप टॉपर करना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि मैथ्स भी स्ट्रांग, फिजिक्स भी स्ट्रांग, केमिस्ट्री भी स्ट्रांग, हिंदी भी स्ट्रांग, इंग्लिश भी स्ट्रांग। इस चीज को आप, इस मंत्र को, इस सरप्राइज को अपना लेंगे तो आप अच्छा नंबर लाएंगे बोर्ड एग्जाम में, यह गारंटी है। क्या बोले, सभी विषयों पर ध्यान दें। क्या इस 14 बातें को माइंड में रखेंगे, क्या आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो ये बातें याद रहेगा, क्या एग्जाम हॉल से बाहर हैं तो क्या इस चीज को अपनाएंगे, क्या आप इस चीज पर ध्यान देंगे, इस चीज पे फोकस करेंगे, तो आप बेस्ट एग्जाम में करके आएंगे, ये गारंटी है। बस आपको पूरा करना है, बस मां से एक बात कहनी है, एक लाइनें कहनी है, मां तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, तेरा लाडला पूरा करके दिखलाएगा। ये मां से एक बार कहेंगे, मां से मोटिवेशनल आएगा, मां से जुनून आएगा, पिता से जुनून आएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जो भी मैं कुछ कर रहा हूं मां बाप के लिए और मां बाप का रोशन करने के लिए मैं कर रहा हूं, तो इस चीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो यही नहीं, इस योद्धा एकेडमी चैनल को भी फॉलो करके जाइए, लाइक करके जाइए। चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।